नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम फैक्ट जानने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में जानने के लिए पहुंच रहे हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक से सवाल करते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता इंसा। क्या कहना चाहोगे, आज क्या विचार रख रहे हो आप बाबा जी के लिए? ये विचार रख रही हूँ, जो हमारे गुरु जी इतने अच्छे थे, जो भलाई के इतने काम करते थे, दुनिया में किसी ने आज तक कोई काम नहीं करा। आज उनको इन लोगों ने काम बटा दिया। मैं ये कहती लोगों, शर्म करो, आके देखो। जो वेश्या थी उनको उन्होंने बेटियां बना के उनको सुखदवा का भी नाम उन्होंने दिया और उनको सुखदेवी का नाम दिया। आज तुमको यूं ही शर्म नहीं आई कि वो लड़कियों को उन्होंने इतनी शादियां कराई, इतनी उनका घर स्वर्ग बन के, लोगों के घर जो नरकों में लोग पड़े होते उनके घर स्वर्ग बन गए। लोगों को वो नहीं दिखा, लोगों को ये दिखा कि हमारा नशा नहीं चल रहा, कि नशा कैसे चले। लोगों ने जो अच्छे काम गुरु जी कर रहे उनको अंदर बैठा के बाहर नशों के उन्होंने दुकानें खोल रखी है और लोगों के घरों में जाकर देखो बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। हमें वो देख के दुख आता है। कितनी जरूरत, इतनी लोगों शर्म करो, राजनीति लोगों शर्म करो। खट्टर साहब, मैं तो खट्टर साहब को भी बोलती हूँ। मैडम एक सवाल और पूछना चाहूंगी, उनके बारे में तो और कुछ भी बहुत दिखाया गया। उनके बारे में जो भी दिखाया, इन्होंने नशा माफिया ने अपने अपना बना के इन्होंने अपनी कैसे बनाई, कैसे इन्होंने लोगों को करोड़ों रुपए दे के इन्होंने लोगों से वो कुछ कलाया और कुछ नहीं है। सब कोई अच्छा है। हम जाते हैं, मेरे को 30 साल हो गए इस डेरे में जुड़ी को। मेरी बहनें भी, मेरी लड़कियां भी वहां स्कूल में पढ़ के आई है। मैंने वहां इतने सालों से, मेरी लड़की अभी भी पढ़ रही है। अब मैंने चंडीगढ़ उसकी शादी करी, अभी भी वो मानवता भलाई के कामों में जुड़ी हुई है। उनको तो कुछ नहीं हुआ। हम शुरू से डेरे में जा रहे, बहनों की साइड एक तरफ है, भाइयों की एक तरफ है। बहनों को भाइयों की तरफ नहीं जाने दिया जाता, भाइयों को बहनों की तरफ नहीं जाने दिया। पर इन लोगों ने पता नहीं कैसे पर्दे डाल के इन लोगों ने गलत साबित कर दिया हमारे गुरु जी। गुरु जी का व्यवहार किस तरह के? गुरु जी का व्यवहार में करी इतना अच्छा था ना, वो हमें बेटी के बगैर बोलते नहीं थे। ऐसे हमारे तो वो माँ बाप थे। हमने तो कभी अपने माँ बाप के घर भी मैं कभी नहीं जाती थी और डेरे जाती थी, इतना सुकून मिलता था। वहां जा कैसे होती जाए किसी, मैं अपने बाप के घर आई और जब घर आते थे पिता ही इतना आशीर्वाद देके भेजते थे, बेटा आप जाके बच्चों को प्यार देना और कहना पिताजी ने आपके लिए प्यार भेजा। और इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके ऐसे कर दिया। मैं तो कहती है अभी भी लोगों शर्म करो, होश में आओ और गुरु जी को वापस लेके आओ। मोदी का भी गुरु जी ने वहां गद्दी पर बैठाया। एक चीज बताइए, आप गुरु जी की इतनी मांग कर रहे हो, गुरु जी ने किया क्या है समाज के लिए? सारे काम करे ही गुरु जी ने। गुरु जी ने नशा माफिया को बंद करे थे काम, इन लोगों ने साइडों पे कर करके उनको फिर आगे लेके आए। गुरु जी ने बहनें थी, जो विधवा बहनें थी उनके घर में आए और जो नशा लोग करते थे उनको एक हफ्ते का प्रसाद दिया और एक हफ्ते डेरे में कहते थे बेटा सिमरन करो, सिमरन करके उनके नशे छुड़वाए और घर जो लोगों के नर्क थे वो स्वर्ग में बना दिए थे। आज की जरूरत है समाज को, आज इतनी जरूरत है। मैं कहती गुरु जी की इतनी जरूरत है ना, हम तो कहते हैं लोगो शर्म करो, अभी गुरु जी को ले आओ तो तुम्हारा हिंदुस्तान जो है स्वर्ग में बन जाएगा। मिसाल सही व्यवहार होता है। इन लोगों ने उनको इतने पैसे दे के करोड़ों रुपए उनके घर में फेंक के, ऐसे लड़कियां जो मेरे गांव के ही थे उनके घरों में आके करोड़ों रुपए उनके घरों में फेंक के तुम्हें कोठियां बना देंगे, तुम्हें ये कर देंगे बना के। उन लोगों को झूठा इन्होंने आगे इल्जाम लगा के आगे करके लेके आए। वो बेशर्म लोग थे जिन्होंने नाम लिया हुआ फिर भी ऐसे गलत में चल पड़े। उनको ये नहीं पता कि हम खुद खुदा उस गुरु के, वो जो ऊपर दोनों जहां का मालिक, उसके साथ ऐसे कर रहे तो हमारा देश नहीं बचेगा। घर तो तुम्हारे उजड़ेंगे, पूरे देश को तुम लेके बैठोगे। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मैं यही कहती प्लीज, अभी भी जो मोदी साहब अभी भी जागो, श्रीमती प्रधानमंत्री जी अभी जागो। जो आपको देश को बचाना है तो आप गुरु जी को वापस लेके आओ, आप देश को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए किस तरह से जोश खरोश से ये लोग बोल रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं, अगर देश को बचाना है तो जरूरत है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। किस तरह से उन्होंने देश को बचाने के लिए करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों लोगों को वेश्यावृत्ति से दूर किया, इस तरह से ये लोग आपके सामने रियल फैक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लोग